नमस्कार, मैं हूं कृतिका चावला और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। भारतीय रेलवे ट्रेन सफर को आसान बनाने के लिए यात्रियों को कई सुविधा देता है, तो वहीं रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। IRCTC ने फूड डिलीवरी ऐप स्विगी के साथ एक समझौता किया है। IRCTC के इस कदम से यात्रियों को मनपसंद खाना मिल पाएगा। शुरू में ये सुविधा 4 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होगी, बाद में इसे और बढ़ाया जाएगा। IRCTC के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी फूड्स की पेरेंट कंपनी बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते के तहत फर्स्ट फेज में बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशनों पर प्री ऑर्डर मील की डिलीवरी की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इस समझौते के अनुसार जल्द ही देश के कई स्टेशनों पर यात्री ई केटरिंग पोर्टल के माध्यम से आसानी से स्विगी से खाना ऑर्डर कर पाएंगे। अब आप जान लीजिए कि आप अपना खाना कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले आप IRCTC की ई केटरिंग पोर्टल पर अपना PNR दर्ज करें। इसके बाद एक आउटलेट चुनें, अपने पसंद का खाना चुनकर ऑर्डर पूरा करें और फिर ऑनलाइन भुगतान या कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर शेड्यूल करें। आपका खाना आपकी सीट पर पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि स्विगी के किए गए करार के तहत फर्स्ट फेज के पूरा होने के बाद बाकी स्टेशनों पर भी सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। भारतीय रेलवे की खानपान शाखा अपने यात्रियों के लिए खाने के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए साझेदारी का विकल्प चुन रहा है। कुछ महीने पहले IRCTC ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्री ऑर्डर किए गए भोजन की आपूर्ति और डिलीवरी के लिए फूड डिलीवरी एप्लीकेशन Zomato के साथ साझेदारी की थी। अक्टूबर में घोषित साझेदारी के समय ट्रेन यात्री नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी सहित चयनित स्टेशनों पर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। स्विगी और IRCTC के बीच करार से फूड डिलीवरी ऐप को फायदा मिलने की उम्मीद है। स्विगी इस साल शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है। फूड डिलीवरी ऐप जल्द ही अपने IPO के लिए SEBI के पास ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स दाखिल कर सकता है। कंपनी की नजर $11 अरब के IPO मूल्यांकन पर है। कंपनी 2024 में IPO के माध्यम से अनुमानित रुपए 8,300 करोड़ जुटाने की उम्मीद कर रही है। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव भारत टाइम्स।